कोई देवा कहे कोई चिंतामणि, कोई पप्पा कहे जो है दिल का धनी, तेरे चरणों में जो शीश रखता है वो है फिकर उसको किसकी रे मोरिया। अरे दतर दतर बजा दरा ढोल और ताशा दरा आला रे आला गणेशा। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैमन अच्छो, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणेश जी को देख के और डेकोरेशंस देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस चीज़ का है, किस चीज़ से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि गणेश जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो फ्रेंड्स, हम जब गणेश जी को लेके आते हैं अपने घर पे तो हमें रेड चुन्नी से उनका मुंह ढक के लाते हैं और साथ में उनको जो ब्लैक कलर का धागा होता है वो भी पहना के लाते हैं ताकि गणेश जी को किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि गणेश जी हमारे घर के विघ्नहर्ता है। अगर उनको नज़र लग जाएगी तो फिर हमारे घर का क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग उनका मुंह ढक के लाते हैं और साथ में काला धागा भी पहना के लाते हैं उनको। तो मैंने जब मैं ला रही थी अपने गणेश जी को तो मैंने तब का भी क्लिप्स लिया है, वीडियो शूट किया है स्थापना के भी, कैसे आपको करना होता है, आप अगर खुद से कर रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो, ये सब का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है तो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अभी 10 दिन तक हमारे घर पर गणेश जी विराजमान होने वाले हैं तो हमें उनके आगे की पूजा, स्थापना के बाद की पूजा कैसे करते हैं, उनको क्या भोग चढ़ाना चाहिए, तो ये सब मैं बताने वाली हूँ ताकि आपको 10 दिन तक पूजा में कोई भी दिक्कत ना होए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमें हम क्या क्या करते हैं पूजा के लिए, गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। सो आइए देखते हैं। ये मेरे छोटे वाले गणेश जी हैं, मैंने अपने हाथों से बनाया है और अपने हाथों से तैयार करके इनको तैयार किया है और इनको मैंने स्थापना की है और इनका विसर्जन भी करेंगे। और ये है हमारे बड़े वाले गणेश जी जिनका हमने स्थापना किया है और जिनको हम लाए थे मूर्ति जिनकी। मुझे बाल गणेश जी बहुत ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड्स, ये मैंने पूजा के लिए अपनी तैयारी कर चुकी हूँ और सबसे पहले आपको नवेद तैयार करते हैं हम लोग। गणेश जी को मीठा बहुत पसंद है तो इसके लिए हम मीठा रखते हैं और उसके साथ साथ आपको पूरी और सब्जी, जैसे आप खाना जैसे खाते हो वैसे ही हमें पूरा खाना गणेश जी को देते हैं। हम बाद में उनको जल भी देते हैं, उनका मुख धोने के लिए यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम जल भी रखे हैं। और उसके साथ साथ हमें 5 तरह के फ्रूट्स जो भी सीज़न से अवेलेबल होता है तो आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो, 5 तरह के होने चाहिए। और ये पंचमेवा जो कि अगेन 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स के मिले हुए होते हैं। और उसके साथ साथ हमें चाहिए एक दिया, और उसके साथ साथ हमें दिया लेना होता है जो कि हम घी से जलाते हैं दिए को। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लेट है, जो आटी की थाली है, इसमें हम दिया रखते हैं और थोड़े से हम अक्षत रखते हैं। अक्षत यानी कि जो चावल होते हैं उनमें हम हल्दी और कुमकुम लगाते हैं, और कुमकुम और हल्दी आपको इसमें रखना होता है और उसके बाद दिया को हमें ऐसे रख देना होता है। और आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा फ्लावर्स भी ज़रूर रखें जो आपकी आटी की प्लेट है। अक्षत जब आप ले तो अक्षत में ये ध्यान रखें कि जो भी आपके चावल रहे वो पूरे होने चाहिए, वो बिना टूटे हुए होने चाहिए। अक्षत यूजुअली जो पूजा के राइस होते हैं अक्षत, वो मिल जाते हैं शॉप पे, बट अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपके पास जो भी राइस अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने दिया जला लिया है, अभी हम गणेश जी का पूजा करने जा रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमो 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 नमः। अब हमें थोड़ा चंदन और थोड़ा कुमकुम लेके उनका अभिषेक करना है, उनको तिलक लगाना है गणेश जी को।
उसके बाद हमें हाथ जोड़ के गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हमारे घर की सुख शांति हमेशा बनाए रखे, हम पे सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और गणेश जी, अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाए आपकी पूजा में तो हमें नादान समझ के माफ़ कर दें। तो फ्रेंड्स, हमें पूजा के बाद जो हमने नैवेद्य गणेश जी को अर्पित किया है तो हमें वो गणेश जी को ऐसे हाथ से लेके के ऑफर करते हैं, हमने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया है तो आप हमारा प्रसाद स्वीकार करें। उसके बाद जब सारा सब कुछ हो जाता है फिर हमें पान के पत्ते, एक्चुअली मुझे पान के पत्ते यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ, तो अगर आपके पास पान के पत्ते अवेलेबल हो आपको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ऐसे भी सिर्फ जो लौंग होते हैं, लौंग और इलायची गणेश जी को अर्पित करते हैं। और उसके बाद जैसे ही गणेश जी खाना खा ले, मतलब उनको नैवेद्य हम ऑफर कर दें, उसके बाद हमें पानी लेके गणेश जी का मुख, जैसे हम अपना मुख धोते हैं वैसे ही हमें गणेश जी का मुख धोते हैं, उसके बाद उनको पानी पिलाते हैं। और ये सब करने के बाद फिर हम आरती करते हैं, आप कोई भी आरती कर सकते हैं गणेश जी की। और उसके बाद हमें बस गणेश जी से आशीर्वाद लेते हैं और बस यही बोलते हैं कि गणेश जी आप हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखें ऐसे ही। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमने नैवेद्य गणेश जी को अर्पित किया था तो पूजा के बाद हम उसको प्रसाद स्वरूप खुद भी खा सकते हैं, या फिर अगर ब्राह्मण आपके अगर घर के आसपास हैं तो आप ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी ज़रूरतमंद को आप खिला सकते हैं, और अगर कोई भी नहीं मिले तो हम खुद भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को अभी 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं अभी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस वीडियो से। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब भी आप गणेश जी को, हम लोग दो टाइम पूजा करते हैं, जितने दिन तक हमारे घर पे गणेश जी रहते हैं हम इच्छा अनुसार उनको रखते हैं, कोई 10 दिन तक रखते हैं, कोई 5 दिन, कोई 2.5 दिन ऐसे भी रखते हैं। तो जितने दिन तक हमारे घर पे गणेश जी हैं उतने दिन तक हमें उनको दो टाइम पूजा करते हैं और दो टाइम उनको नैवेद्य भी अर्पित करते हैं। और साथ साथ में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी हम नैवेद्य बना रहे हैं उनके लिए हमेशा फ्रेश रहे, आप जैसे सुबह का शाम को नहीं दे सकते हैं। और जब भी नैवेद्य बनाएं तो कुछ मीठा ज़रूर बनाएं उसमें, क्योंकि गणेश जी को, हम सबको पता है गणेश जी को लड्डू मोदक बहुत पसंद है, तो इसके लिए ज़रूर से बनाएं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग भी गणेश चतुर्थी मेरे जैसे बहुत सारा इन्जॉय किया होगा और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। सो आगे भी हम, अभी हम लोग 10 दिन तक गणेश जी के साथ रहने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो आप लोगों ने भी काफ़ी सारा इन्जॉय किया होगा आज के दिन को। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड फ्रेंड्स, कीप योर बेल बटन ऑन ताकि आपको हमेशा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें।